आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी ने जहां प्रचार के लिए एक बार फिर कमर कस ली है, तो वहीं बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर अपने विजय रथ को रफ्तार देने में जुटे हैं। इधर चुनावी तैयारी में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर दो नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है, जो बीजेपी के सामने दागेंगे सवाल और पूछेंगे जनता का हाल। बीजेपी में कोई भी संकट आए, बीजेपी में कोई भी मुसीबत आए, हमेशा पार्टी के प्रवक्ता मुखर होकर कमल को बचाने में जुट जाते हैं। जबकि कांग्रेस में कुछ समय से खुलकर बोलने वाले नेताओं की कमी रही है, जिसकी वजह से बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर आरोपों की बौछार करती रही है। लेकिन अब कांग्रेस के सवाल होंगे और बीजेपी को जवाब देने होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बंदी के लिए दो नए राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किए हैं, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे अंशुल मीरा कुमार का नाम है। आगामी चुनाव के लिए पार्टी ने इन्हें अपने सवालों से बीजेपी को घेरने की जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अंशुल मीरा कुमार और शर्मिष्ठा मुखर्जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। सोनिया गांधी ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि लोकसभा चुनाव में शिकस्त का सामना करने के बाद पार्टी के कई प्रवक्ताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। इसीलिए सोनिया गांधी ने शर्मिष्ठा मुखर्जी और अंशुल मीरा कुमार को नई जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें कि दिल्ली के पिछले विधानसभा चुनाव में ग्रेटर कैलाश से शर्मिष्ठा मुखर्जी चुनाव लड़ी थी। उनकी कांग्रेस में छवि काफी अच्छी है, वो अब तक दिल्ली में प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभालती आ रही थी। वहीं अंशुल कुमार भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और लोकप्रिय दलित नेता जगजीवन राम के पोते हैं। इन दिग्गजों को सोनिया ने नई जिम्मेदारी तो सौंप दी है, लेकिन देखना होगा कि ये बीजेपी की बोलती कैसे बंद करते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।